हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको झारखंड के एक बहुत ही फेमस सी डिश बना के दिखाऊंगी, जिसे हम जनरली खेक्सा कहते हैं। वैसे तो इसे कई सारे नामों से पुकारा जाता है, और ये ऊपर से देखने में जितना लगता है रफ़, एक्चुअली वो उतना होता नहीं है। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये बारिश के टाइम में जनरली जंगलों में पाया जाता है, जैसे कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह ये पाया जाता है। और इसे इंग्लिश में स्पाइन गोर्ड भी कहते हैं। ये जो इसके ऊपर से ब्लैक ब्लैक्स लगे होते हैं, इसे आप काफ़ी अच्छे से साफ़ कर लें। ये दिखने में लग रहा है ना कितना रफ़ सा है, तो ये बहुत कांटेदार है, तो मतलब चुभेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। आप इसे जो है अपने हिसाब से, जैसे भी मन हो वैसे आप इसे कट कर सकते हैं। तो हम इसे सबसे पहले जो है इसके हेड एंड टेल को काट के, और अपने मन के जो भी पसंद का है उस हिसाब से हम इसे कट कर लेंगे पीसेस में। तो ये कट करके तैयार हो चुका है। तो हम इसकी सब्ज़ी के प्रोसेस की ओर चलते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो कढ़ाई जैसे ही गर्म होगा हम इसमें जो है तेल ऐड कर देंगे। तेल 3 से 4 चम्मच ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, और यहाँ पे 2 लाल मिर्च को बीच से तोड़ के ऐड करेंगे, और 1 पिंच हींग ऐड करेंगे। ये सब जैसे ही ब्राउन हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 3 प्याज को जो है, छोटा छोटा प्याज था उसे काफ़ी फाइनली चॉप करके ऐड कर देंगे। अगर आप हो सके तो इसे और ज़्यादा बारीक काट के इसे ऐड करें। और जैसे ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होगा, तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें सारा ऐड करेंगे। प्याज का कलर आप देख सकते हैं पूरा चेंज हो चुका है। तो फिर मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन को ग्रेट क्रश करके रखा था, तकरीबन 1.5 चम्मच, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। और जब अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। खिक्सा खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसे बहुत सारे लोग छोटा करेला भी बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या इसके नाम है। तो अब हम इसमें जो है खिक्सा ऐड कर देंगे। बट झारखंड की ये बहुत फेमस रेसिपी है, क्योंकि ये सीजनल होती है, बरसात के टाइम में ही जंगलों में मिलती है, तो इसलिए भी ये ज़्यादा फेमस है, हर टाइम अवेलेबल नहीं होता। तो अब हम इसमें जो है नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड करें। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड किया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और इन सभी को हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे 2 छोटे टमाटर थे वो इसमें ऐड कर देंगे। तो टमाटर इसमें ऐड हो चुके, अच्छे से मिल चुके हैं। तो अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके रखेंगे। 5 मिनट हो चुका है, तो चेक करते हैं। तो फिर से हम इसे ढकेंगे, तो देख रहे हैं कि ये जो है ऑलमोस्ट प्याज टमाटर ये सब ऑलमोस्ट पक चुका है, आप देख सकते हैं। बट अभी ये हुआ नहीं है, अभी इसमें और भी बाकी है इसे होना। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, और यहाँ पे 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच, और 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने चिकन मसाला ऐड किया है, जिससे कि इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा अच्छा आ जाए। और इन सभी को हम इसमें मिला देंगे। इसमें मसाले जले ना, इसलिए हम लगभग जो है 1/2 ग्लास, छोटे वाले 1/2 ग्लास के अराउंड पानी ऐड करेंगे, जिससे मसाले पानी में ईजिली मिल जाए, और फिर जब हम इसे कवर करें तो फिर वो जले ना। तो अब हम इसे फिर से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करेंगे। 5 मिनट हो चुका है, चलिए चेक करते हैं। आप चाहे तो इसे विदाउट मसाले का भी बना सकते हैं,
बस फ्राई करके, वो भी खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे कि हम करेला का भुजिया खाते हैं या फिर किसी और भी चीज़ का, तो आप उसे उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इसे अब जो है हम अच्छे से चलाते रहेंगे, फ्लेम मीडियम कर दें लो से। इसे हम फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे कि प्याज टमाटर हर कुछ जो है उसमें अच्छे से पक जाए। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना क्योंकि ये ड्राई होता है, इसीलिए। और इसे अब जो है हम फिर से कवर करके रख देंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ही कवर करें, उससे ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं पानी जो है वो पूरा सूख चुका है, ज़रा भी पानी नहीं है। तो इस टाइम आप फ्लेम को है हाई कर दे थोड़ा सा। अगर आपको ड्राई खाना है तो आप फ्लेम को बिल्कुल ही हाई कर दे, जिससे जो भी पानी है वो भी पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, जल जाएगा। अब इसमें हम फ्रेश धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, इसे भी हम अच्छे से सब में मिला दें। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो आप देख सकते हैं कितना ड्राई हो चुका है, बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। और जब सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो जाए तो हम लास्ट में जो है तकरीबन 1 चम्मच इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। आप ज़्यादा ना ऐड करें, ज़्यादा ऐड करें से बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आप 1 चम्मच, मुश्किल से 1 चम्मच ही ऐड करें और फ्लेम को आप ऑफ़ कर दें, वरना अगर आप फ्लेम जब ऑन रहेगा तो आप डालेंगे तो उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, इसलिए नींबू आप हमेशा लास्ट में फ्लेम ऑफ करके ऐड करें और इसे एक बार इसमें अच्छे से मिला दें। तो चलिए इसकी प्लेटिंग की ओर। आप देख सकते हैं कितना ड्राई लग रहा है ये देखने में। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, किसी में भी ले सकते हैं। तो चलिए, ये झारखंड के स्पेशल खिक्सा की सब्ज़ी बन के तैयार है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें और एक बार हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।